हाँ ऐसे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हो गया। ओके बजा पाटी, हम लोग ने एसी सर्किट्स में वी हैड डन अ सर्टेन पार्ट ऑफ इट, वी विल बी डूइंग फर्दर थोड़ा बहुत जो बाकी था। हालांकि जहां तक मुझे याद है थोड़ा सा अपने ट्रांसफार्मर का किया था, राइट, वी हैड स्टार्टेड विद ट्रांसफार्मर, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। बट स्टिल सिंस वी आर टेकिंग अप दिस टॉपिक, वी विल डू अ सर्टेन बिट अमाउंट ऑफ रिविजन एंड देन विल फिनिश दिस ऑफ, ठीक है। अ ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग एंड ऑल्टरनेटिंग करंट एट लोअर वोल्टेज। ये भाई साहब लोअर वोल्टेज में ऑल्टरनेटिंग करंट को इनटू हायर वोल्टेज, तो आपका भाई साहब लोअर वोल्टेज से हम हायर वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं या वाइस वर्सा, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो ए ट्रांसफॉर्मर इज यूज फॉर दीज पर्पसेस, इफ इट इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर भाई साहब इनपुट वोल्टेज को ये बढ़ा रहा है, ठीक है, अगर इनपुट वोल्टेज को ये बढ़ा रहा है तो उसको अपन बोलेंगे भाई साहब इनपुट वोल्टेज को अगर ये बढ़ा रहा है तो दिस इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और अगर इनपुट वोल्टेज को ये कम कर रहा है तो दिस इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो देखो आपका ये एक एसी सोर्स रहेगा, ठीक है, इसको अपन प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, इसको अपन सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। ये जो टू लोड है, टू लोड मतलब आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं घर पे या जिस इंडस्ट्री में है, तो इसको अपन टू लोड बोलेंगे, ठीक है। तो एक लैमिनेटेड आयरन कोर होगा ये, ठीक है। ओके प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका प्रिंसिपल क्या है भाई साहब, म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या होता है देखो, इसको समझिए, इंडक्शन मतलब बेसिकली क्या होता है, आपका ये एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स है तो करंट है, करंट है तो करंट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे, लेकिन ये एसी सोर्स में हर समय पोलैरिटी उल्टा पलटी हो रही है, ठीक है। एक इंस्टेंट में दूसरा पोलैरिटी, दूसरे, तो आपका भाई साहब करंट का डायरेक्शन मतलब जो पोलैरिटी है वो हमेशा चेंज हो रही है। अगर पोलैरिटी चेंज हो रही है तो उसके एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है यहां पे आपका भाई साहब, देखो देखो पहले तो बात है, समझ लो अगर हमने यहां पे सिर्फ करंट माना, अभी एसी सोर्स की बात नहीं कर रहे, तो जैसे इसमें से करंट जाएगा इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, ये एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और जैसे यहां पे एसी होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, क्योंकि देखो जैसे ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को आप चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसके पैरेलल एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी ये मैग्नेटिक फ्लक्स किस वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका इनपुट सोर्स एसी सोर्स है, अगर ये डीसी होता तो यहां पे चेंज नहीं होता, डीसी सोर्स को अप्लाई करते हुए आप ट्रांसफार्मर नहीं बना सकते, एसी सोर्स पे ही आप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो एसी सोर्स के वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की वजह से भाई साहब आपका ईएमएफ जनरेट होगा, ये ईएमएफ भाई साहब आपके सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होगा, ठीक है। ओके सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो आपका म्यूचुअल इंडक्शन किस प्रिंसिपल पे काम करता है भाई साहब, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। व्हेन अ चेंजिंग करंट इज पास थ्रू वन ऑफ द टू इंडक्टिवली कपल्ड कॉइल्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द अदर कॉइल, तो आपका भाई साहब इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें जनरेट होगा, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी में आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे स्ट्रेइंग ना हो, मतलब ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ कोर है इधर उधर ना बढ़के, इसीलिए हमने एक लैमिनेटेड कोर लिया हुआ है, ताकि भाई साहब इसको हम जितना हो सके इसके अंदर ही रखे, ये आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है तो स्ट्रे ना हो। स्ट्रे मतलब समझते हैं, स्ट्रे डॉग क्या होता है, जो पालतू कुत्ता नहीं होता है, ऐसे ही भटक रहा हो, ठीक है। तो ये स्ट्रे लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना क्रिएट हो, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर खत्म ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए हमने लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर लिया हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिज्म को ये अंदर ही अंदर रखे, जितना मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड को ये अंदर ही अंदर रखेगा उतना ही एसी सोर्स के पोलैरिटी के चेंज की वजह से उतनी ईएमएफ यहां पे जनरेट होगी, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। तो दैट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, क्लियर है। ओके सो ये हो गया आपका लैमिनेटेड कोर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स एंड वाउंड ऑन द सेम सॉफ्ट आयरन कोर। सेम सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ले रहे हैं भाई साहब अपन, व्हाई आर वी टेकिंग द सेम सॉफ्ट आयरन कोर, बिकॉज दीज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल ट्रेवल थ्रू द सॉफ्ट आयरन कोर, दे विल पास थ्रू द सॉफ्ट आयरन कोर। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम। ओके 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 द कॉयल पी टू विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड इज कॉल्ड द प्राइमरी एंड द कॉयल फ्रॉम विच एनर्जी इज ड्रॉन और आउटपुट इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द सेकेंडरी। सिंपल, टू प्रिवेंट एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट्स अ लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड। अब ये एडी करंट्स क्या होते हैं,
आपने बाल्टी में ऐसे कभी पानी को घुमाया है, ठीक है, तो आपको घुरनी देखेगी ऐसे घूमता हुआ, ठीक है। जब तक आप घुमाएंगे उसके 2-3 मिनट तक, वो 2-3 मिनट नहीं, हो कितना 30-40 सेकंड तक रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों घूम रहा है, क्योंकि आपने इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, तो वो एडी करंट बन गया है। इसी तरह से यहां पे भी भाई साहब एडी करंट बनता है, ठीक है। ये एडी करंट इज एक घुरनी हो जाता है, करंट का घुरनी हो जाता है, ठीक है। एडी करंट्स अ लैमिनेटेड कोर इज यूज, इसीलिए अपन ने लैमिनेटेड कोर को यूज किया है, जिसका भाई साहब लैमिनेशन है, ठीक है, एडी करंट। बिकॉज ऑफ हाई परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, देखो ससेप्टिबिलिटी पढ़ी थी, जो ग्राफ होता है आपको याद है भाई साहब, ठीक है। तो आपका सॉफ्ट आयरन कोर का रिटेंटिविटी, ससेप्टिबिलिटी, इफ यू कैन रिटेन द नॉलेज, व्हाट इज रिटेंटिविटी, व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी सॉफ्ट आयरन कोर, भाई साहब हिस्टेरेसिस लूप पढ़ा था कि नहीं आपने, ठीक है। हिस्टेरेसिस लूप में आपका एक रिटेंटिविटी होता है, एक आपका भाई साहब होता है कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी रिटेंटिविटी, इन सब चीजों पे भाई साहब आपके सॉफ्ट आयरन कोर को हमने सिलेक्ट किया है। बिकॉज ऑफ हाई परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, द एंटायर मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द करंट इन द प्राइमरी कॉयल प्रैक्टिकली रिमेन्स इन द आयरन कोर। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है भाई साहब, ये ज्यादा करके ये आयरन कोर में ही रहता है, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी हाई है, ठीक है, इट विल रिटेन इट, ठीक है, ये स्ट्रे नहीं हो पाएगा, रिमेन्स इन द आयरन कोर एंड हेंस पासेस फुल्ली टू द सेकेंडरी, दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स द स्ट्रे करंट्स, ये आपका स्ट्रे करंट्स बनने में, ठीक है, बींग जनरेटेड इन द कंडक्टर्स लाइंग अराउंड एंड कॉन्सिक्वेंटली पावर लॉस, ठीक है। ओके, टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर जनरली यूज फॉर वाइंडिंग अप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इन ट्रांसफॉर्मर। तो ये हो गया आपका कोर टाइप, ये हो गया आपका प्राइमरी, और ये हो गया आपका सेकेंडरी। इन द कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर वाउंड ऑन सेपरेट लिम्स ऑफ द कोर सो दैट द कोर इज लार्जली सराउंडेड बाय द कॉइल्स, यहाँ पे कोर का लार्जली सराउंडेड है। मेनी ऑफ द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर्स आर क्लोज टाइप, तो ये आपके भाई साहब क्लोज टाइप हो गए, ठीक है। और कभी कभी इस टाइप का भी होता है भाई साहब, ये हो गया आपका कोर टाइप, ये हो गया भाई साहब आपका शेल टाइप। इन द शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर वाउंड वन ओवर अनदर ऑन सेम लिंब ऑफ द आयरन कोर, द कॉइल्स आर वेरी लार्जली सराउंडेड बाई द आयरन कोर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज इन रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिटर्स एंड रिसीवर्स आर ऑफ शेल टाइप, भैया भाई साहब आपके शेल टाइप हो जाएंगे, ठीक है। वर्किंग एज द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी इट जनरेट एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर, तो जैसे प्राइमरी कॉइल से ये फ्लो होगा तो एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। तो जब भी भाई साहब यहां से ये जाएगा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, एज इट फ्लोज तो एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जनरेट होगा, दिस विल बेसिकली जनरेट एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर विच ऑल्सो पासिस थ्रू द सेकेंडरी, तो ये आपका ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी से भी पास करेगा। दिस चेंजिंग फ्लक्स सेट्स अप एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, ऑल्सो अ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी, तो आपके प्राइमरी में भाई साहब ये देखो एक सेल्फ इंड्यूस्ड होगा। अभी देखो इसको समझो, ठीक है, यहां पे आपका जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इसके वजह से यहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, यहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मुझे ये बता पाएंगे ये क्या है, यहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से पोटेंशियल जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे चेंज हो रहा है क्योंकि एसी सोर्स है और इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। यहां पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका लैमिनेटेड कोर से जा रहा है वो चेंज हो रहा है, तो यहां पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, क्यों तो ये क्या करेगा, किस हाँ अपोज करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो देखो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के जहां पे चेंज होने की वजह से यहां पे एक प्लेन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, यहां पे एक तकलीफ होगी, यहां पे एक तकलीफ ये होगी कि इसके पोटेंशियल को एक अपोज करता हुआ पोटेंशियल तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। यहां पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा जो आपके इसके ईएमएफ को अपोज करेगा, ठीक है। दिस विल बी इन अपोजिंग नेचर, ठीक है, दैट विल बी अपोजिंग नेचर। तो जनरली अगर आप देखोगे यहां पे E1 की वैल्यू कितनी होगी, लेट्स से अगर हमने इसकी बात की, E1 की वैल्यू कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ, वेरी गुड, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से
इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं एसी पे होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे ही होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स, सब भूल भाल के खा गए भाई साहब। एन बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें अगर हम, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स की, लेट्स से मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन फाई लिखते हैं कि नहीं, और ये क्या होता है? हाँ नहीं, क्यों नहीं है? ई कहां से आ रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। बी इंटू डीएस क्या होता है? नहीं, बी इंटू डीएस फिर भी सही बोल रही थी। हाँ एरिया वेक्टर है, तो इस एरिया वेक्टर जो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है यार, फ्लक्स मतलब होता है बी इंटू ए, कॉस ऑफ फाई लिखते हैं हम, ठीक है। एक्चुअली बी और ए में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी यही डेफिनेशन है, ई डीएस होता है, तो ई इंटू डीएस एरिया वेक्टर, और इसमें भाई साहब, तो इसीलिए हम इसको बी ए कॉस फाई लिखते हैं। फिर कॉस फाई इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर कैसा होता है भाई साहब? परपेंडिकुलर, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, तो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बाहर के ईएमएफ को अपोज करेगा, तो इसका ईएमएफ कितना होगा पहले ये बताइए। माइनस डी फाइव बाई डी टी, गुड, ठीक है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये हो जाएगा भाई साहब आपका फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी ये एक टर्न का है, तो अगर यहां पे समझ लो जैसे हमने एन वन टर्न्स का ले लिया प्राइमरी कॉइल, तो ये कितना हो जाएगा एन वन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें है प्राइमरी कॉइल में, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ये एन वन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, और डी फाइव मतलब हो गया आपका क्या, बी इंटू ए कॉस फाई, ठीक है। डी फाइव बाई डी टी इसको अपन लिख सकते हैं माइनस एन वन, और यहां पे हो गया आपका बी ए कॉस फाई, वही है कॉस फाई बाई डी टी, ये आपका हो गया भाई साहब ई वन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि ये अपोज करेगा, दिस विल अपोज, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, तो ये हो गया एडी करंट्स वगैरह, ठीक है। ओके तो ये शेल टाइप हो गया, देखो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग है, और यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी एक साथ ही वाउंड अप है इसका, और इसमें देखो इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें ना थोड़े बहुत जो है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर जा सकते हैं, भटक सकते हैं, ठीक है। तो थोड़े बहुत मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, भाई आपने लिया है चलो सॉफ्ट आयरन को लिया है, लेकिन सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यहां से यहां तक जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को रोकने का कोई तरीका तो है नहीं भाई साहब, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भाई साहब लीकेज हो सकता है यहां से, क्या ना हैपन, ठीक है। लेकिन यहां पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है सेकेंडरी कॉइल का भी वही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, यहां पे लीकेज होने की कोई संभावना नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो दिस विल बी मोर एफिशिएंट, इसी को हम बोलते हैं शेल टाइप। इन द शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर वाउंड वन ओवर द अदर ऑन द सेम लिंब ऑफ द आयरन कोर, सेम लिंब पे द कॉइल्स आर वेरी लार्जली सराउंडेड बाय द आयरन कोर, ट्रांसफॉर्मर्स यूज्ड इन रेवी, तो ये भाई साहब आपका एक एडवांटेज है, ठीक है, ऑन द सेम कोर, क्योंकि यहां पे ना इतनी दूरी में यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहे हैं यहां से थोड़े बहुत भाई साहब लीकेज हो जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं होगा, दैट इज द एडवांटेज ऑफ ऑफ अ शेल टाइप ओवर अ कोर टाइप, ठीक है। ओके, वर्किंग एज द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोस थ्रू द प्राइमरी इट जनरेट्स एन ऑल्टरनेटिंग इन द कोर व्हिच आल्सो पासेस थ्रू द सेकेंडरी, दिस चेंज फ्लक्स सेट्स अप एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, आल्सो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी, दिस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द ऑलरेडी जो ईएमएफ है उसको अपोज करेगा, ठीक है। इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देन फ्लक्स लिंक विद ईच ऑफ द प्राइमरी विल बी इक्वल टू, और हम ये मान लेते हैं कि सारे ट्रांसफॉर्मर्स आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ठीक है, तो मतलब आपका जो भी यू नो कोई भी फ्लक्स का लीकेज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो पूरा पूरा पोटेंशियल आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ही जनरेट हो रहा है, ठीक है, दैट इज आर अजम्पशन इन ऑल न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आपने भाई साहब यहां पे कंसिडर द सिचुएशन वेयर नो लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी, तो लेट्स से आपके सेकेंडरी में कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, इट्स टर्मिनल्स आर ओपन, तो आपके टर्मिनल्स भाई साहब ओपन है एंड द सेकंड, एंड लेट एन वन एंड एन टू बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, सो इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल कितना हो जाएगा, ई वन विल बी इक्वल टू माइनस एन वन डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव भाई आपका क्या है, इट इज द रेट ऑफ एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स है, डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है।
सो ये हो गया आपका माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि ये इसको अपोज करेगा। इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, दिस विल ऑल्सो बी दिस, ठीक है ओके। सो वेयर फाइ इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, अभी आप क्या मान रहे हो कि जो फाइ इसका है वही फाइ इसका है, मतलब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में लीकेज नहीं हो रहा है, बोथ द मैग्नेटिक फ्लक्सेस आर द सेम, जो फाइ ई वन का है वही फाइ आपका ई टू का भी है, सो देर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट्स योर अजम्पशन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत आपका लीकेज होगा ही, ठीक है। खैर यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल विल बी दिस, इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी दिस, वेयर फाइ इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ द प्राइमरी और द सेकेंडरी। आप भाई साहब ई वन बाई ई टू कर लोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, डी फाइ बाई डी टी भी कैंसिल, एन वन बाई एन टू। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर। वाई इज इट एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर? बिकॉज इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर योर अजम्पशन इज दैट द फ्लक्स विच विल बी देयर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी, विच मीन्स दैट देर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये आपका अजम्पशन है, ठीक है। इसी अजम्पशन के बिना पे ई टू बाई यू वन इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन है। तो जहां पे भी साइंस में अजम्पशन का स्कोप रहता है वहीं पे ही आईआईटी वाले कीड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये आपके कमजोरी पे ही हिट करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या अजम्पशन है कि भाई, इसीलिए हर समय चीजों को देखा करो कि अजम्पशन है जो पढ़ लिया चलो, एक्सेप्शन है तो पढ़ लिया चलो, लेकिन यहाँ पे ही सवाल बन जाएंगे। सवाल आपका कैसे बन जाएगा भाई साहब कि अगर फ्लक्स का लीकेज हो रहा है, लेट्स से 20% ऑफ द फ्लक्स इज लीकेज हो रहा है, अगर 20% फ्लक्स लीकेज हो रहा है तो डी पाई बाई डी टी और डी पाई बाई डी टी ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इट विल नॉट बी अ सिनेरियो ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तभी आपको ये वाला जो डी पाई बाई डी टी लेंगे इससे 20% कम देना पड़ेगा, ये रेशियो वहां पे भी एप्लीकेबल होगा लेकिन अपने डी पाई बाई डी टी के साथ आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एन टू बाई एन वन हो जाएगा, लेकिन ये आएगा डी फाई टू बाई डी टी अपॉन डी फाई वन बाई डी टी, और यहाँ पे रेशियो आपका 20% हो जाएगा। इसमें पटाक से एक सवाल बन जाएगा, ठीक है, छोटा सा एक सवाल बन जाएगा। यहाँ पे हम कहानी यहाँ पे खत्म कर देते हैं, चलो चलो भाई साहब अभी आप जो भी सवाल करोगे इसको कर लोगे, ठीक है, क्या ही है इसमें, ठीक है। तो इस पे आपका रेशियो आ जाता है ना भाई साहब ट्रांसफॉर्मर रेशियो के, लेकिन कोई भी आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं होता है, पावर लॉस होगा ही आपका, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स ऑन विच सवाल छोटे छोटे बन जाते हैं। लेट ई बी द ईएमएफ अप्लाई टू द प्राइमरी बाई लेंस लॉ। तो आपने देखो भाई साहब प्राइमरी में ईएमएफ अप्लाई ई है, लेकिन ई1 का महत्व समझो, ई1 मतलब आपका प्राइमरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इस चीज को जान के रखना, ठीक है। आपके ज्यादा करके सवाल इसमें नहीं होंगे, लेकिन आपका रिजल्टेंट ईएमएफ जो प्राइमरी में जनरेट होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट ईएमएफ इन द प्राइमरी विल बी ई माइनस ई1। ई1 आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा बाहर के ईएमएफ को अपोज करेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से जनरेट हुआ है। The rate of change of magnetic flux has generated this EMF and by Lenz law it will oppose the external EMF. मतलब जो AC source का EMF है उसको ही oppose करेगा। ये आपका net EMF होगा primary coil में। हालांकि इस पर सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अगर आप miss कर गए तो problem होगा, ठीक है। Resultant EMF in the primary ये हो जाएगा आपका E minus E1। हालांकि जो सवाल आप use करेंगे उसमें क्या होगा, E2 by E1 is equal to N2 by N1, ये सब में सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो रिजल्टेंट ईएमएफ प्राइमरी में जनरेट होगा वो होगा ई माइनस ई1। ई है आपका एसी सोर्स का वोल्टेज और ई1 है आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज। इंड्यूस्ड वोल्टेज का वैल्यू कितना है, माइनस N1 इंटू डी फाई वन बाई डी टी, ठीक है। फाई वन नहीं बोल रहा हूं, चलिए फाई ले लेते हैं, ठीक है, डी फाई बाई डी टी। लेकिन अगर आपका लीकेज का परसेंटेज दिया हुआ है तब आपको वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब यह एप्लीकेबल नहीं होगा भाई साहब N2 बाई N1। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। सो आपका भाई साहब यहां पे दिस ईएमएफ, ठीक है, सेंस करंट I1 थ्रू द प्राइमरी कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस R। तो आपका भाई साहब प्राइमरी में ये जा रहा है ई माइनस E1 इज इक्वल टू R। ये आपका नेट वोल्टेज हो गया ना भाई साहब, तो प्राइमरी कॉइल में करंट I1 जाएगा, लेट्स से उसका रेजिस्टेंस अगर R है, भाई आपका वो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR। ये आपका नेट वोल्टेज यहां पे क्या हो जाएगा, जो ईएमएफ एसी सोर्स सप्लाई कर रहा है और जो E1 वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, दैट विल बी द नेट वोल्टेज। This will be equal to I into R. I1 is basically what the current that is flowing through the primary coil and R is its resistance. Ohm's law लगा रहे हैं आप, V is equal to IR, ठीक है, clear है? Okay. So but R is very small, so the term R1 can be neglected. हम इसको भाई साहब बहुत, क्योंकि ये कंडक्टर्स हैं बेसिकली, कॉपर कंडक्टर्स हैं और ये इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, यहाँ पे E की वैल्यू E1 के बराबर हो जाएगी। अगेन देखो यहाँ पे सवाल बन सकता है कि अगर आपका R स्मॉल नहीं हुआ और नेग्लिजिबल नहीं हुआ तो क्या, ठीक है। इसीलिए फिजिक्स में आपके डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
डेरिवेशन में हर जगह पे आपका कुछ ना कुछ अजम्पशन रहता है। आपने आइडियल ट्रांसफार्मर मान लिया, यहाँ पे अजम्पशन मान लिया कि आपका आर जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडक्टर में आर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको आपने नजरअंदाज कर दिया है, इसीलिए आपका भाई साहब ई इज इक्वल टू इवन हो गया है। लेकिन एक्चुअली में आप देखोगे ई इज इक्वल टू इवन हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो आपका एसी सोर्स का जो वोल्टेज है और जो प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसमें डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ उसको अपोज करेगा, ठीक है। लेकिन हमने रेजिस्टेंस को आर मान लिया है, ओके, रेजिस्टेंस आर को हमने जीरो मान लिया, यहां पे आर को हमने जीरो मान लिया, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दस ई में भी रिगार्ड, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ई टू बाई ई वन इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन, ये आपका आउटपुट ईएमएफ, ये आपका इनपुट ईएमएफ विल बी इक्वल टू एन टू बाई एन वन, और इसी को हम क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ठीक है। द रेशियो एन टू बाई एन वन ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज सेकेंडरी टू प्राइमरी इज कॉल्ड द टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो, टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ठीक है। ओके, द रेशियो इज कॉल्ड द टर्न्स रेशियो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मर रेशियो इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज बढ़ रहा है, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई साहब, वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा होगी, और क्योंकि E2 by E1 is equal to N2 by N1, तो इसका मतलब N2 की वैल्यू N1 से ज्यादा होगी, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में भाई साहब वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है। सो द टर्न्स रेशियो इज ग्रेटर देन 1 एंड देयरफॉर E2 इज ग्रेटर देन E1, द आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। भाई साहब क्या हो जाएगा, N2 की वैल्यू स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आपका E2 आउटपुट वोल्टेज इज लेसर देन इनपुट वोल्टेज, सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स इन द आउटपुट सर्किट ऑफ द वायर विल बी लेसर देन द इनपुट सर्किट, ठीक है। ओके, सो इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इट मे बी नोटेड दैट द इक्वेशन हैज बीन डिराइव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग थ्री अजम्पशंस, द प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड द करंट आर स्मॉल। मतलब ये जो आपने किया ना यहाँ पे E माइनस E1 इज इक्वल टू I1 R, ये आपका प्राइमरी रेजिस्टेंस है, इसको आपने जीरो मान लिया है, ये आपका एक अजम्पशन है, और इस पे भी सवाल बन सकते हैं। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो आपको E माइनस E1 लेना पड़ेगा, तब आप E इज इक्वल टू E1 नहीं ले सकते, ठीक है। क्लियर है, द सेम फ्लक्स लिंक्स, और ये भी आपका भाई साहब क्या, ये भाई साहब डी फाइव बाई डी टी जो इसका है प्राइमरी का, ठीक है, वही भाई साहब डी फाइव बाई डी टी किसका है, सेकेंडरी का, ये आपका दूसरा अजम्पशन है, और जनरली ये ट्रू नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत आपका लॉस होगा ही फ्लक्स में, ठीक है। द टर्मिनल्स ऑफ द सेकेंडरी आर ओपन ऑन द करंट टेकन फ्रॉम इट इज स्मॉल, तो टर्मिनल्स ऑफ द सेकेंडरी बेसिकली ओपन है, ऐसा ये आपका अजम्पशन है, ओपन नहीं होता ये किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, इसको तो हम कैलकुलेशन में चलो नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों पे टेढ़े मेढ़े सवाल बन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बी वेयर दैट आप शॉर्टकट में पढ़ाई को निपटाएंगे तो E2 by E1 is equal to N2 by N1, इसमें कहानी खत्म हो जाती है ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। लेकिन अगर आप इन चीजों को देखेंगे सो इनको अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो टेढ़े मेढ़े सवाल बन सकते हैं। अगर बोल दिया कि भाई साहब आप प्राइमरी के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपका E माइनस E1 होगा आपका I1, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। करंट्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अज्यूमिंग दैट ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडल वन सो दैट देयर नो एनर्जी लॉसेस, इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर हो जाएगा। इनपुट पावर भाई साहब आपका क्या हो गया, E1 I1 is equal to E2 I2, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर वेर I1 एंड I2 आर द करंट्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रिस्पेक्टिव, क्लियर है। ओके ओके ओके, दस अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ट्रांसपोर्ट, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100। पावर क्या होता है, पावर इज वी इंटू आई, आपने भाई साहब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था P इज इक्वल टू V into I, तो यहाँ पे भी आपका पावर, अगर मुझे को आउटपुट पावर लेना है तो ये क्या हो जाएगा E2 into I2, और इनपुट पावर लेना है तो ये हो जाएगा E1 into I1, ठीक है। आउटपुट पावर दैट इज E2 I2 अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%, दैट इज बेसिकली पावर एफिशिएंसी, ठीक है। सो एफिशिएंसी ऑफ रियल ट्रांसफॉर्मर्स इज फेयरली हाई, 90 to 99%, 100% नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, फ्लक्स लीकेज की वजह से नहीं हो सकता, और दूसरा भाई साहब आपका रेजिस्टेंस होगा प्राइमरी का, इसके वजह से नहीं हो सकता। तो मतलब जो आप यहाँ पे E इज इक्वल टू E1 का केस ले रहे हैं इज जस्ट एन आइडियल सिनेरियो, इट्स नॉट पॉसिबल, अदरवाइज एग्जैक्ट इक्वेशन इज E माइनस E1 इज इक्वल टू R1 इंटू R, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, ये R को आपने नेग्लेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये 100% इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि आपने मान लिया है कि R की वैल्यू जीरो है और आपने ये भी मान लिया है कि कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से आपको ये 100% नहीं आएगा कभी भी, ठीक है।
इट विल नेवर बी 100%। ओके, एनर्जी लॉसेस, तो क्या क्या टाइप के लॉसेस होते हैं, थोड़ा सा थ्योरी है, देख लीजिए यहाँ पे। कॉपर लॉस, सम एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर वायर्स, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट आप ज्यादा देर तक मत चलाइए, उसको रेस्ट देकर चलाइए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि जब आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट चलता है बहुत देर तक, तो वो हीट डेवलप करता है, ऑब्वियसली बहुत देर से इलेक्ट्रॉन्स उसमें से जा रहे हैं, और जब वो हीट डेवलप करता है, आपको मालूम है कि भाई साहब रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है विद हीट, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद कीजिए, ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर कोई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बहुत देर तक चला रहे हैं, तो उसमें हीट डेवलप होगा, तो जैसे जैसे हीट डेवलप होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसलिए इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गिव अ ब्रेक एंड देन रन, ठीक है। आप देखोगे ज्यादा करके आपके जो शॉर्ट सर्किट नहीं, आपके जो लोड शेडिंग होते हैं, लोड शेडिंग मतलब लाइट जाना, ये टर्म आपने सुना है, लोड शेडिंग, ठीक है। लाइट जब जाता है आपका, तो उसको अपन लोड शेडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, वाय लोड का शेडिंग करना, मतलब आप थोड़ा सा इसको संभालते हुए इस काम को कर रहे हैं, कभी कभी आपको करना पड़ता है। अभी जैसे जैसे समर्स में काफी ज्यादा लोग एसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो कंजम्पशन बढ़ जाता है, लोड काफी बढ़ जाता है, तो कुछ देर के लिए उसको ऑफ कर देना, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। कॉपर लॉस, सम एनर्जी इज लॉस्ट ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर वायर्स यूज इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, दिस पावर लॉस कैन बी मिनिमाइज यूजिंग थिक कॉपर वायर्स ऑफ लोअर रेजिस्टेंस। जब आप भाई साहब कॉपर वायर को, थिक कॉपर वायर्स क्यों भाई साहब, क्योंकि आर क्या होती है भाई साहब, रेजिस्टिविटी इनटू एल बाय ए, एरिया को आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा भाई साहब, ठीक है। ओके, एडी करंट, द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट्स। तो भाई साहब एक बार करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे, एक बार करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे, इसी हिसाब से भाई साहब करंट भी ऐसा गोला गोला घूमेगा भाई साहब, तो इसको हम एडी करंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये घूर्णी बन जाएगी, द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट्स इन द आयरन कोर विच लीड्स टू सम एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस लॉस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग अ लैमिनेटेड आयरन कोर। तो कभी कभी हम लैमिनेटेड, कभी कभी क्या, लैमिनेटेड आयरन कोर ही यूज करना पड़ता है। हिस्टेरेसिस लॉस, आपने हिस्टेरेसिस लूप को देखा है भाई साहब, ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लूप लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब रिटेंटिविटी को, कोएर्सिविटी वगैरह, ठीक है। द ऑल्टरनेटिंग करंट कैरीज द आयरन कोर थ्रू साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन, और ये होता है आपका डीमैग्नेटाइजेशन, फिर से मैग्नेटाइजेशन, फिर से भाई साहब डीमैग्नेटाइजेशन, फिर से मैग्नेटाइजेशन, ऐसा होता है, ठीक है। वर्क इज डन इन ईच ऑफ दीज साइकिल्स एंड इज लॉस्ट एज हीट, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस एंड कैन बी मिनिमाइज बाई यूजिंग कोर मटीरियल हैविंग नैरो हिस्टेरेसिस लूप। तो ऐसा एक कोर मटेरियल, देखो आपने कुछ दिन पढ़ा था कि आपका जो ये एक मोटा सा हिस्टेरेसिस होता है, और एक भाई साहब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका थिनर हिस्टेरेसिस लूप है। तो जितना आपका थिन रहेगा हिस्टेरेसिस लूप, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर का होता है, वैसे ही उसमें लॉस भी कम होगा, ठीक है, एनर्जी लॉस कम होगा। फ्लक्स लीकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आपका फ्लक्स जो है उस तरह से जा रहा है भाई साहब, तो थोड़ा बहुत तो लीकेज होगा ही होगा, ठीक है, अंटिल अनलेस यू हैव सिलेक्टेड द सेम कोर। एक सेम कोर को अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, सेम कोर को सिलेक्ट करने का एक डिसएडवांटेज ये होगा कि वो कोर बहुत ज्यादा हीटेड अप हो जाएगा, इट कैन गेट हीटेड अप वेरी सून, ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह पे आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों भी है, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी मे नॉट फुल्ली पास टू द सेकेंडरी, सम ऑफ द फ्लक्स मे लीक इन टू एयर, दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज बाई वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओवर वन अनदर, ठीक है, हमिंग लॉस, ठीक है। ये जो लॉस है, जैसे समझ लो कोई पंखा चल रहा है, घर 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 आवाज कर रहा है, जैसे एसी में आपने देखा है, मैंने बहुत बार किसी किसी का एसी भाई साहब एकदम विंड मिल की तरह आवाज करता है भाई साहब, आटा की चक्की की तरह, उनको ये नहीं समझ में आता है कि उसको ठीक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें आपका डबल खर्चा हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज सपोज टू गिव इट्स आउटपुट इन कूलिंग द रूम, बट अ मेजर पोर्शन ऑफ इट इज एक्चुअली गोइंग इन दिस हमिंग लॉस। ये साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें इसका लॉस हो रहा है, यू शुड गेट इट रेक्टिफाइड और गेट इट रिप्लेस एज सून एज पॉसिबल। लोग उसको पेंडिंग रखते हैं, ये जो हमारे बाजू वाले अंकल हैं, इनका भी वैसा एसी चलता रहता है, क्या बाहर ही खड़े हैं वैसे, ठीक है। तो नहीं नहीं अभी देखने के लिए कौन बोला भाई साहब, तो उनका भी ऐसा पूरा टाइम ऐसा घर्रर, अभी इतना जोर से कभी कभी आवाज होता है, तो मैंने उनको बहुत बार बोला है, नहीं नहीं अच्छा चल रहा है, अच्छा कूलिंग हो रहा है। अरे भाई साहब आपका बिल भी बढ़ रहा है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमिंग लॉस है। ये साउंड एनर्जी आपको चाहिए क्या एसी से? नहीं चाहिए, अनवांटेड साउंड एनर्जी दे रहा है। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आ रही है। तो इफ यू मिनिमाइज दिस, इट विल सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमिंग लॉस क्या होता है? एज द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स, इट्स कोर लेंथेंस
एंड शॉर्टेंस ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ड्यू टू फिनोमिना कॉल मैग्नो, ये आपके कोर्स में फिलहाल नहीं है। दिस गिव्स राइज टू हमिंग साउंड, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आपके हमिंग साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अनवांटेड हमिंग साउंड्स, ये इसके वजह से होता है, ठीक है। दिस गिव्स राइज टू हमिंग साउंड, सो सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हमिंग साउंड, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस साउंड एनर्जी में बेसिकली अनवांटेडली कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हमको नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट अगर अनवांटेड, आप देखोगे पुराने जो आपके पीसीज होते हैं उसमें आवाज होता है, ठीक है, तो ऐसा जो आवाज हो रहा है इसका मतलब उसको रिपेयर करने का या उसको बदलने का टाइम आ गया है, ठीक है, वो सर्किट्स में आपका एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन लॉसेस दैट माइट हैपन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर चेंजेस अ लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, ठीक है, डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉस मतलब यहाँ पे कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है। द करंट डिक्रीजेस बाय द सेम प्रोपोर्शन व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस एन टाइम्स, द करंट रिड्यूसेस टू 1/n टाइम्स। ये आपका सिंपल V इज इक्वल टू I बाई आर से है। अ ट्रांसफॉर्मर इज इजीली इज एसेंशियली एन एसी डिवाइस। भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ एसी करंट पे ही ऑपरेट हो सकता है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एसी करंट पे ऑपरेट हो सकता है। इट कैन नॉट वर्क ऑन डीसी, ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी। इट चेंजेस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट्स, इट डज नॉट अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ठीक है। द स्मॉल ट्रांसफॉर्मर्स आर सेल्फ कूल्ड विच, कोई तो भाई साहब गुजर 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 किया जा रहा है, ठीक है। द स्मॉल ट्रांसफॉर्मर्स आर सेल्फ कूल्ड विच, ठीक है, ट्रांसफर्स हीट डायरेक्टली टू द सराउंडिंग्स। लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स आर कूल्ड बाय प्लेसिंग देम इन ऑयल टैंक्स टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग, ठीक है। यूजेस स्मॉल ट्रांसफॉर्मर्स रेडियो रिसीवर्स टेलीफोन्स लाउड स्पीकर्स में ये यूज होते हैं। इन वोल्टेज रेगुलेटर्स फॉर टीवी रेफ्रिजरेटर्स एयर कंडीशनर्स कंप्यूटर्स। आज की तारीख में आप देखोगे हमारे टाइम पे भाई साहब हर चीज के लिए आपको एक स्टेबिलाईजर लेना पड़ता था, ठीक है। हाँ तो आपके वोल्टेज फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते थे इसलिए हमको स्टेबिलाईजर लेना पड़ता था। आप अगर एक फ्रिज में देखोगे तो ये ऑलरेडी सेटअप रहता है। आज की तारीख में टीवी फ्रिजेस रेफ्रिजरेटर्स एयर कंडीशनर्स और कंप्यूटर्स में अलग से होता ही है स्टेबिलाईजर होता है। मतलब अगर अचानक से ज्यादा वोल्टेज आ गया या अचानक से अगर कम वोल्टेज हो गया तो आपका सिस्टम उड़ सकता है। सो दिस विल स्टेबिलाइज द वोल्टेज। इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर ओनली, ठीक है, मिनिएचर ट्रांसफॉर्मर है, छोटा सा ट्रांसफॉर्मर है, बॉक्स टाइप का रहता है, ठीक है। अगर आप देखोगे एक एसी को रन करने के लिए अगर मेरे को स्टेबिलाईजर खरीदना पड़े तो इट विल बी कॉस्टिंग अराउंड 1500 to 3000 बक्स ऐसे में आ जाएगा, ठीक है। टीवी और भाई साहब आपका फ्रिज ये सारे चीजों में स्टेबिलाईजर लगता है। आज की तारीख में तो अपने आप से ये रहते हैं। Stabilizers power supplies. A step down transformer is used for obtaining large currents for electrical welding. A step down transformer is used in the induction furnace for melting metals. A step up transformer is used for production of X-rays in the transmission of electrical energy from the generating station to the consumers. Uses of transformers hai bhai sahab, most important application of transformers is in the transmission of electrical power from a power station to far away areas which is actually used. तो बहुत दूर दराज इलाकों में जहां पे पावर प्रोड्यूस होता है वहां से आप तक जो पावर पहुंच रहा है वो ट्रांसफॉर्मर्स की वजह से पहुंच रहा है, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्मर से बहुत हाई वोल्टेज में करंट आ रहा है अपना पावर स्टेशन से बहुत हाई वोल्टेज में, और वो हाई वोल्टेज अगर आपके घर में आ गया तो सब उड़ जाएगा, ठीक है। सो इस वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए। तो आप देखोगे कामोटे एरिया में बहुत सारे जगहों पर ट्रांसफॉर्मर्स इंस्टॉल्ड है, तो वहां से जो पूरा पावर सप्लाई आ रहा है दिस गेट्स रेगुलेटेड बिफोर इट इज सप्लाइड टू योर होम्स, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स इज इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम अ पावर स्टेशन टू फार अवे एरियाज वेयर इट इज एक्चुअली यूज्ड। फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिकल पावर एट लो वोल्टेज। तो अगर लो वोल्टेज में आप इलेक्ट्रिकल पावर, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन केबल्स हैव अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस हेंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट एट हीट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अगर समझ लो आप ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है और बड़े बड़े केबल से आप इसको घरों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये जो इतने बड़े बड़े केबल्स होंगे इसमें काफी सारा पावर लॉस हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं। लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अकर्स अलोंग द लाइन वायर हेंस द वोल्टेज एज द रिसीविंग स्टेशन विल बी मच स्मॉलर देन द जनरेटिंग स्टेशन। तो काफी सारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। टू कैरी लार्ज करंट्स एंड टू कीप द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन वायर्स लो थिक वायर्स हैव टू बी यूज्ड। द कॉस्ट ऑफ अभी थिक वायर, अगर हम भाई साहब रेजिस्टेंस को लो करेंगे तो हमको थिक वायर्स यूज करने पड़ेंगे, और अगर थिक वायर्स यूज करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि कॉपर वायर, कॉपर जो है वो एक कॉस्टली सब्सटेंस है, ठीक है।
सो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन एट लो वोल्टेज एंड हाई करंट इज नीदर एफिशिएंट नॉर इकोनॉमिकल. इफ आई इज द करंट इन द केबल एंड आर इज इट्स रेजिस्टेंस द पावर वेस्टेड इन द केबल. आपका अगर केबल है जहां से ये सप्लाई हो रहा है तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा. द पावर लॉस कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग आई और आर. ठीक है. द पावर सप्लाइड बाय द जनरेटर इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू वी आई. ये आपका पावर सप्लाई हो गया. ठीक है. वेयर वी इज द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल सिंस आई इज इक्वल टू पी बाय वी फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ पावर. द पावर लॉस इज लेस इफ आई इज लेस और वी इज हाई. एक डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के मामला है. इन एक्चुअल प्रैक्टिस एज शोन अ टिपिकल पावर स्टेशन जनरेट्स 1000 किलोवाट एट 6600 वोल्ट्स. दिस वोल्टेज इज फर्स्ट स्टेप्ड अप टू दिस मच वोल्टेज बिफोर ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन लाइन्स ठीक है फ्रॉम डिफरेंट पावर स्टेशन. तो आपका देखो ये पावर स्टेशन है. ठीक है. दिस इज बेसिकली 6600 वोल्ट. अगर आपका अटेंशन यहां पे नहीं है यू कैन गेट आउट फ्रॉम हियर. मुझे आप और कुछ दिनों तक झेलेंगे. आई हैव डिसाइडेड नॉट टू टीच दिस बैच एट ऑल फॉर वॉट एवर रीजंस एज पर योर फीडबैक. इसको मैं कंप्लीट करा रहा हूं. इसके बाद से मैं आपसे डील नहीं करूंगा. आपका पूरा हक बनता है मेरे अगेंस्ट में फीडबैक देना एंड आई हैव टेकन इट. किसी भी टीचर के अगेंस्ट में आप फीडबैक दे सकते हैं. एब्सोल्युटली फाइन. आपने केमिस्ट्री टीचर के बारे में फीडबैक दिया था मैंने उनको रिमूव किया. आपने मेरे बारे में फीडबैक दिया आई विल गेट माई सेल्फ रिमूव्ड एज वेल. इस पोर्शन को मैं खत्म कराऊंगा उसके बाद पटेल सर विल टेक ओवर. ठीक है. तो झेल लीजिए थोड़ा बहुत और वो भी नहीं बनता है तो गेट आउट. 6600 वोल्ट है तो ये आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जनरेटिंग स्टेशन है. दिस इज बेसिकली स्टेपिंग इट अप टू. तो ये 6600 वोल्ट था. दिस इज स्टेपिंग इट अप टू 13200000 वोल्ट. स्टेप डाउन में आपका पैसा फिर से स्टेप डाउन हो गया. स्टेप डाउन दिस इज अगेन 220 वोल्ट. दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वोल्टेज दैट नीड्स टू बी ट्रांसफर. ठीक है. तो ये सब आपके भाई साहब जो हमने अभी तक पढ़े हैं E2 by E1 is equal to I1 by I2 होगा N2 by N1 होगा क्योंकि आपका E जो है वो V is equal to IR के उस वजह से आपका I1 by I2 होगा. तो E2 by E1 will be equal to I1 by I2 and this will be equal to N2 by N1 and this is equal to transformer ratio. ठीक है. Power in the primary coil will be equal to power in secondary coil. Efficiency of a transformer output power upon input power into 100%. Power is transmitted from power station to substations at very high voltages to reduce cost and reduce losses. ठीक है. चलिए वैसे भी वाला सवाल करना है फटाफट. डन डन डन. इजी सवाल है भाई साहब. द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स. तो आपका प्राइमरी कॉइल मतलब N1 की वैल्यू कितनी हो गई 100
है, एंड द ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज ऑल्सो 100। के की वैल्यू भाई साहब यहां पे 100 है, ठीक है, और के की वैल्यू क्या होती है, E2/E1, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, N2/N1 भी लिख सकते हैं, और इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, I1/I2, ठीक है, क्लियर। तो N1 की वैल्यू हो गई भाई साहब 100 और K की वैल्यू हो गई 100, ठीक है, एंड द ट्रांसफॉर्मर रेशियो द इनपुट वोल्टेज एंड द पावर। तो इनपुट वोल्टेज भाई साहब E1 की वैल्यू कितनी हो गई, इनपुट वोल्टेज इज 220 वोल्ट, एंड द पावर P1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1100 वॉट, ठीक है, 1100 वॉट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो आपको यहाँ पे N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, N2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो आप इस रेशियो पे आ जाइए, देखो N2/N1, N2/N1 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मर रेशियो के। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू तो नहीं मालूम, N1 की वैल्यू कितनी है, 100। दिस इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज इक्वल टू 100। तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000, ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है भाई साहब ये। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज हाउ मच, 10,000, ठीक है। द करंट इन द प्राइमरी, आपका पर वहां पे देकर आया हूं मैं, द करंट इन द प्राइमरी, आपका प्राइमरी में करंट कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द करंट इन द प्राइमरी। तो आपका देखो यहां पे करंट इन द प्राइमरी, आपको I1 भी नहीं मालूम है यहां पे और I2 भी नहीं मालूम है, ठीक है, हाउ विल यू कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी, वी वी इज इक्वल टू अभी तो R बोला तूने, तो R क्यों, मेरे को कंफ्यूज क्यों कर रहा है, क्या क्या फॉर्मूला, अरे हाँ क्या फॉर्मूला यूज करना है, फिर I बोल रहा है कि R बोल रहा है, आई बोल रहा है, ओके ठीक है, चलिए तो मैंने गलत सुना, चलिए ठीक है, ओके। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी इंटू आई ना, तो यहां पे P1 इज इक्वल टू E1 इंटू I1, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो आपका I1 का वैल्यू यहां से निकल आएगा भाई साहब, दिस विल बी P1/E1। तो P1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1100 अपॉन E1 की वैल्यू कितनी हो गई, 220, कैंसिल हम कैंसिल हम, ये हो गया आपका 5। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 5 एम्पियर्स, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। सो दिस विल बी 5 एम्पियर्स नंबर ऑफ टर्न्स। वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई साहब इससे, ठीक है। तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, E2 की वैल्यू हो गई यहां पे K into E1, K की वैल्यू है यहां पे 100, E1 की वैल्यू है भाई साहब 220। तो दिस विल बी 22123, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 22000 वोल्ट, ठीक है। द करंट इन द सेकेंडरी, करंट इन द सेकेंडरी कैसे निकालोगे भाई साहब, I1 निकाल चुके हो तो I2 का रेशियो से K के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपका करंट इन द सेकेंडरी अगर आपको निकालना हो तो यहां पे क्या कर लोगे, I1/I2 इज इक्वल टू K। तो अपन I2 को क्या लिख सकते हैं, I1/K, है ना। I1 की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे, वी हैव कैलकुलेटेड एज 5, और K की वैल्यू है भाई साहब 100, तो दिस विल बी 0.05, ठीक है। आर वी क्लियर हम ऑन दिस वन, हम पीपल हम 0.05 एम्पियर्स। पावर इन द सेकेंडरी, पावर इन द सेकेंडरी कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू, तो आपका भाई साहब P2 विल बी इक्वल टू E2 इंटू I2, दैट इज E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू है यहां पे 22000 इंटू I2 की वैल्यू यहां पे आपने निकाली है 5/100 भी लिख सकते हैं, कैंसिल हम कैंसिल हम कैंसिल हम कैंसिल हम, 2 5 10 2 5 10 1 11, ये हो गया भाई साहब आपका P2 इन वॉट्स, ठीक है, ये वॉट्स में हो जाएगा भाई साहब, क्लियर है। दिस विल बी 1100 वॉट्स। जैसा जैसा यूनिट्स है वैसे हम जानते जा रही है, पावर का यूनिट भाई साहब वॉट्स में होता है। चलिए भाई साहब ओके, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विच स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट्स। मतलब आपका E1 का वैल्यू यहां पे कितना हो गया, 220 वोल्ट्स। E2 का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, 22 वोल्ट, ठीक है, टू ऑपरेट द डिवाइस विद एन इंपीडेंस। आपका इंपीडेंस मतलब क्या हो जाएगा, R या Z जो भी बोलना चाहे आप, बेसिकली ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, 220 ओम्स। आपको यहां पे हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी, मतलब I1 की वैल्यू पूछी है, ठीक है, I1 की वैल्यू पूछी है यहां पे, E2 और E1 की वैल्यू दी हुई है, E2 और E1 की वैल्यू दी हुई है, तो क्या निकाल सकते हो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो निकाल सकते हो K, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो आपका क्या होता है, E2 बाई
ई वन इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन, फिलहाल यहाँ पे ना ही क्वेश्चन आपका एन टू पे है और ना ही कोई डेटा आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मर रेशियो, क्लियर है भाई साहब। दिस विल बी इक्वल टू आई वन बाई आई टू, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। ई टू बाई ई वन, तो ई टू बाई ई वन हो गया 20/220, दिस विल बी इक्वल टू एन टू, तो यहां पे आपका ट्रांसफॉर्मर रेशियो कितना हो गया भाई साहब 1/10, है ना भाई साहब। K की वैल्यू हो गई 1/10, ठीक है, ओके। इसकी वैल्यू I1, अभी देखो यहां पे I2 की वैल्यू, देखो यहां पे आपका टू ऑपरेट अ डिवाइस, ये डिवाइस किसमें लगा होगा, सेकेंडरी में लगा होगा, तो सेकेंडरी में लगा होगा तो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कितना है 220, समझ में आ रहा है ये। तो इसका मतलब आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे भाई साहब, E2 विल बी इक्वल टू I2 into R, क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस है वो लोड में आएगा और लोड आपका सेकेंडरी कॉइल से आएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल में EMF कितना है E2, ये हो गया भाई साहब I2 और ये हो गया R, क्लियर है। तो E2 की वैल्यू यहां पे कितनी है 22, I2 की वैल्यू नहीं मालूम, R की वैल्यू 220, क्लियर। तो आपका I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब 22/220, दैट इज 1/10, समझ में आता हूं, ठीक है, ओके। अभी आप इसमें आ जाओ भाई साहब के I1 by I2 is equal to K, तो आपका भाई साहब यहां पे I1 की वैल्यू नहीं मालूम, I2 की वैल्यू कितनी है 1/10, K की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1/10, ठीक है। सो आप I1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो 1/100 हो गया ये, ठीक है, दैट इज 0.01 एम्पियर्स, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्या मोदी और अमित शाह भाई साहब देश चला रहे हैं, इस पूरे को उठाकर यहां पे डालोगे ना कि तुम भाई साहब सिलेक्टिवली इसको ऊपर डालो, क्यों, अरे भाई साहब इसको अगर ऊपर, अरे देखो ना, अच्छा चलो चलो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ऐसे देखो I1 भाई आती चला गया, पूछ रह गया भाई साहब 1/10, तो ये 10 अगर ऊपर ले जाएंगे हम, चलो इसको छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट दिस, इसको अगर हम ऊपर ले जा सकते हैं 10 I1 इज इक्वल टू 1/10, ऐसा होगा कि नहीं, तो I1 की वैल्यू अभी कितनी हो रही है 1/100, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या निकालना था वही भूल गया, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी, तो I1 की वैल्यू चाहिए थी, दैट इज 0.01 एम्पियर्स, क्लियर है, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। अ ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड 1000 टर्न्स इन इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग, द प्राइमरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट्स एंड द लोड इन द सेकेंडरी इज 100 ओम्स, ये सब बहुत बच्चों वाले सवाल हैं, हालांकि आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं, लेकिन आपके ऐसे सवाल आप यहाँ पे एनकाउंटर नहीं कर रहे हो जहां पे E1 एक्चुअली E1 नहीं है, ठीक है, मतलब E-E1 इज इक्वल टू IR1 है ऐसा, या आपका D5 by DT इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू D5 by DT, ठीक है, ओके। अ ट्रांसफॉर्मर कॉइल है भाई साहब 500 टर्न्स इन प्राइमरी, तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 500, ठीक है, ओके, एंड 1000 टर्न्स इन द सेकेंडरी, N2 की वैल्यू कितनी हो गई 1000, द प्राइमरी वोल्टेज, तो आपका E1 का वैल्यू कितना है भाई साहब 200, एंड द लोड इन द सेकेंडरी R की वैल्यू कितनी है भाई साहब 100 ओम्स, ठीक है, ले रहे, ये सेकेंडरी में लोड है, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी अज्यूमिंग इट टू बी अ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो भाई साहब यहां पे I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू, E2/R, ठीक है। तो पहली बात तो हम यहां पे E2/E1 इसको लिख सकते हैं N2/N1, सो यहां पे E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E2/E1 की वैल्यू है 200 इज इक्वल टू N2, दैट इज 1000/500, तो ये भाई साहब कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, E2 की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई भाई साहब 200 × 2, दैट इज 400, ठीक है। तो आपका I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये E2 की वैल्यू जो आप निकाल चुके हैं 400 वोल्ट्स / R की वैल्यू, दैट इज 100, ठीक है, सो यहां पे हो गया आपका 4 एम्पियर्स, I2 की वैल्यू हो गई है, ठीक है, दिस इज बेसिकली I2।
सो द करंट इन द प्राइमरी, अभी आपको आई वन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आई टू बाई आई वन इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन, ठीक है, तो आई टू की वैल्यू यहां पे कितनी है, फोर, आई वन की वैल्यू नॉट नोन येट, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एन टू बाई एन वन, जिसकी वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी, 1000 बाई 500, दैट इज 2, तो आई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई वन की वैल्यू हो जाएगी 4 बाई 2, दैट इज 2 एम्पियर्स, ठीक है, आई वन की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर्स, सो द करंट इन द प्राइमरी इज हाउ मच, दिस इज बेसिकली 2 एम्पियर्स, अज्यूमिंग इट टू बी एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, इसके वजह से आप बोल सकते हैं ई वन आई वन इज इक्वल टू ई टू आई टू, ये है आइडियल ट्रांसफॉर्मर का इक्वेशन, ठीक है, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, हाँ यहां पे ना आई वन बाई आई टू होगा, करेक्ट, ये आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन, तो आपका आई वन इधर हो गया और आई टू हो गया आपका 4, तो 4 इंटू टू, तो आई वन की वैल्यू हो गई 8, ठीक है, आई वन की वैल्यू हो गई 8, सो दिस विल बी 8 एम्पियर्स, ठीक है, इफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर, फटाफट से कीजिए भाई साहब, प्राइमरी आपका कितना हो गया एन वन इज इक्वल टू 200 और एन टू की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 1000, इफ द पावर आउटपुट इनपुट इन द प्राइमरी इज, तो पावर इनपुट मतलब पी वन की वैल्यू हो गई 10 किलो वॉट्स, तो दिसमें हो गया भाई साहब आपका 10 वन टू थ्री, ठीक है, किलो वॉट्स एट 200 वोल्ट, तो ई वन की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट, ठीक है, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज एंड द करंट इन द प्राइमरी, तो आपको यहां पे आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज ई टू, ठीक है, एंड द करंट इन द प्राइमरी दैट इज आई वन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो यहां पे ई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ई टू बाई ई वन इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन, तो यहां पे आप कर लो, यहां पे हो गया आपका 1000 बाई 200, That's basically how much? 5. तो E2 की वैल्यू कितनी हो गई, E2 की वैल्यू हो गई E1 into 5. E1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 200. 200 into 5, that is 1000 volts. E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू हो गई, ठीक है, तो आपको आउटपुट वोल्टेज आपका कितना हो गया 1000 volts, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 1000 volts. एंड द करंट इन द प्राइमरी, तो मतलब आपको I1 का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, I1 का कैलकुलेशन मतलब आपका क्या हो जाएगा, This will be, देखो यहां पे P1 की वैल्यू मालूम है इतना है, ठीक है, तो P1 will be equal to E1 into I1, है कि नहीं, P is equal to V into I होता है, पावर इज V into I, तो आपका I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा P1 by E1, तो P1 की वैल्यू हो गई भाई साहब 10,000 और E1 की वैल्यू यहां पे हो गई 200, सो दिस विल बी इक्वल टू 25, ठीक है, तो आपका आ गया यहां पे 50 एम्पियर्स, I1 द प्राइमरी करंट इज 50 एम्पियर्स, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट एसी मेंस, तो 200 वोल्ट एसी मेंस है, तो ई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 वोल्ट एसी मेंस है, यहां पे हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई साहब ई और ई वन बराबर है, यहां पे ई वन की वैल्यू कितनी हो गई, ई वन की वैल्यू हो गई 240, ठीक है, और यहां पे E2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 24 वोल्ट, ठीक है, व्हेन दिस ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट अ बल्ब विथ रेटिंग 24 वोल्ट 24 वॉट्स एक्सेट्रा, कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो आपका कितना करंट होगा प्राइमरी कॉइल में, इस बल्ब को जलाने में, ठीक है, कितना करंट आपका प्राइमरी कॉइल में होगा, कैसे, इस इंफॉर्मेशन से क्या निकाल रहे हो, हाँ 24 दिया हुआ है, पी वन इज इक्वल टू आई वन ई वन एंड पी टू इज इक्वल टू आई टू ई टू, हाँ तो बताइए ये है ना पावर का वैल्यू, तो यही है ना पावर इज इक्वल टू ई टू आई टू, बताइए कैसे यूज करेंगे, अरे बोलो ना भाई साहब, बोल तो दिया मैंने, पावर क्या है P2 टू इज इक्वल टू ई टू इन टू आई टू, है ना, E2 की वैल्यू मालूम है तुम्हें 24, I2 की वैल्यू नहीं मालूम और P2 की वैल्यू यहां पे कितना है 24, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर खत्म, ठीक है, अच्छा प्राइमरी कॉयल में, तो I2 की वैल्यू आपने फाइंड की जो सेकेंडरी कॉयल में है, ठीक है, अभी आप ये रेशियो निकाल लो,
E2 by E1 is equal to I1 by I2, ठीक है? तो E2 है आपका 240, E1 है आपका 24, I1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, I2 की वैल्यू कितनी है? 1. So this will be I1 is equal to 10 amperes, ठीक है? Find the current in the primary coil of the circuit, ठीक है? There a transformer of 100% efficiency. 100% efficiency मतलब क्या होता है? आइडियल, सिंपल. तो इसमें दिमाग नहीं लगाना अरे भाई साहब, ये भी एक परसेंटेज क्या है आपका? अगर 80% एफिशिएंसी होगा ना, अगर 80% एफिशिएंसी होगा तो अलग बात है, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर d5 और d5 बराबर नहीं होंगे, ठीक है? d5 by dt एफिशिएंसी as 200 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल. तो आपका भाई साहब n1 की वैल्यू कितनी हो गई? 200. n2 की वैल्यू कितनी हो गई? 40,000, ठीक है? इन द सेकेंडरी इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट एसी मेंस. तो आपका E1 का वैल्यू कितना हो गया? 220 वोल्ट. एंड द सेकेंडरी फीड टू, तो आपका R का वैल्यू कितना हो गया? 100 किलो ओम्स. 100 इंटू 10 1000, ये आपका ओम्स हो गया, ठीक है? कैलकुलेट द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न. तो आपको भाई साहब, अच्छा यहाँ पे E2 आपको कैलकुलेट करना है और इसको डिवाइड कर देना पर टर्न से, मतलब कितना है? 40,000 ही डिवाइड कर देना है, ठीक है? एंड द पावर डिलीवर टू द लोड. तो आपका P2 का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है? क्लियर है? ओके. तो आपका भाई साहब E2 by E1 इज इक्वल टू N2 by N1 इज इक्वल टू, भाई साहब कितना हो जाएगा? N2 by N1, ठीक है, विल बी इक्वल टू I1 by I2. E2 आपका कितना है भाई साहब? आपका E2 by E1 दैट इज 220 इज इक्वल टू N2 दैट इज 40,000 अपॉन N1 दैट इज 200. कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 200. तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 220 इंटू 200, ठीक है? तो दिस विल बी 446, तो ये हो गया आपका 44,000 वोल्ट, ठीक है? E2 का वैल्यू हो गया ये भाई साहब 44,000 वोल्ट, ठीक है? ओके, एक मिनट. ओ भाई साहब क्या, तो अभी क्यों दिए? केमिस्ट्री टेस्ट दिया लोगों ने, ठीक है ना यार? ठीक है, ये भी आपका 44,000 वोल्ट. क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. कैलकुलेट द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न. अभी देखो आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स कर दो, ठीक है? तो आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 44,000 अपॉन टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 40,000, 1.1. दिस इज वोल्ट पर टर्न, ठीक है? इसका ये यूनिट आ जाएगा. क्लियर है? पर टर्न डिलीवर टू द लोड. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. चलिए जल्दी से आइए इसको. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू रिड्यूस द मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट. तो आपका भाई साहब E1 का वैल्यू कितना है? 220 वोल्ट है. और E2 की वैल्यू कितनी है? 11 वोल्ट है. इफ द प्राइमरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर्स, तो ये हो गया आपका 5 एम्पियर्स. इन द सेकेंडरी क्या है? अच्छा, सेकेंडरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर्स. व्हाट इज द एफिशिएंसी इन द ट्रांसफॉर्मर? एफिशिएंसी क्या होता है विग्नेश? अरे आदित्य, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. एफिशिएंसी हो जाएगा आपका आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, ठीक है? आउटपुट पावर आपका क्या हो जाएगा? E2 I2 E1 I1 इनटू 100. ओके, E2 भाई साहब आपका कितना है यहां पे? 11. I2 भाई साहब कितना है? 90. E1 आपका कितना है भाई साहब? 220 इनटू I1 कितना है आपका? 5, ठीक है? दैट विल बी इनटू 100, ठीक है? कैंसिलम 5 2 10, 2 11 1 1, तो ये हो गया आपका 90% एफिशिएंसी, ठीक है? व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर? तो दिस इज 90%. चलिए इसको करना है फटाफट. अज्यूम द एफिशिएंसी टू बी 80%. यहां पे एफिशिएंसी 80% दिया हुआ है. कैसे करेंगे भाई साहब? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर दैट इज E2 I2 अपॉन E1 I1. ये रेशियो आपका कितना है? 80/100. 2 4 2 2 4 2 5 10, है ना? तो ये रेशियो है आपका 4/5, ठीक है? ओके.
अभी फटाफट से देख लेते हैं विच स्टेप्स अप, तो आपका ई वन का वैल्यू कितना है 200 और ई टू का वैल्यू कितना है भाई साहब 20 और डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम्स, तो आपका भाई साहब लोड यहां पे आर की वैल्यू दी हुई है 20, ठीक है ओके। तो आप यहां पे आई वन या आई टू की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं भाई साहब, आई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई टू बाई आर, वी होता है आई आर, तो आई टू हो जाएगा ई टू बाई आर, ई टू की वैल्यू कितनी है आपकी 20, आर की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो गया 1 एम्पियर, क्लियर है ओके। तो आपका यहां पे आई टू का वैल्यू आ गया है कितना 1। अब इस रेशियो को पुट अप कर दो भाई साहब, ई टू की वैल्यू हो गई 200, आई टू की वैल्यू 1, ई वन की वैल्यू कितनी हो गई है? अच्छा ई टू 20 है, चलिए भाई साहब ई टू आपका 20 है, ठीक है ई टू आपका 20 है, ये हो गया आपका 200 ओके ओके ओके। आई वन की वैल्यू 1, नहीं नहीं कहां से 10, अरे मैंने आई टू की वैल्यू 1, हाँ आई वन की वैल्यू नहीं फाइंड की ना, तो आई वन की वैल्यू फाइंड करनी है, दिस इज इक्वल टू 4/5, ठीक है तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 1 2 2 10 10, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1/10 आई वन इज इक्वल टू 4/5, तो ये हो गया आपका 40 आई वन इज इक्वल टू 5, तो आई वन की वैल्यू हो गई 5/40 दैट इज 1/8, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 1 0 8 1 8 1 2 5, है ना 1 2 5 एम्पियर्स, ठीक है क्लियर है, 1/8 आ गया ना, 8 1 2 2 16 8 5 40, ठीक है 0.125 एम्पियर्स, क्लियर है भाई साहब ओके ओके ओके। अ 10 किलोवाट ट्रांसफार्मर हैज 20 टर्न्स, ठीक है जाइए